post Ravi video of Pushkal and during his 7th of 20. Tell about. सर पहले आवाज काफी पतली आती थी जैसे काफी दिक्कत होते थे डेली लाइफ में भी स्कूल कॉलेज लाइफ में भी दिक्कत हुआ कई बार ऐसा भी हुआ कि आवाज सही कहीं बोल भी दूं लेकिन आवाज नहीं बोल पा नहीं बोलता था जानबूझ के भी आती भी निकलती भी नहीं थी कि लोग क्या सोचे मतलब साइकोलॉजिकल फेयर था इस वजह से काफी दिक्कत हुई थी कोई बड़ा इशू नहीं है सर बट दिक्कत काफी हुई थी अब अपनी हॉबीज बताइए सर क्रिकेट बास्केटबॉल तो अभी जो है ट्रीटमेंट के बाद जब आपने नए लोगों को फोन किया तो उनके रिएक्शन कैसे आ रहे हैं सर उन्होंने तो कई बार पहचाना नहीं बस जब मैंने बताया तो कह रहे कि अच्छा रे मतलब शॉक थे कि अचानक कैसे ये सही हो गया और पुष्कल यही बात आप इंग्लिश में भी बताइए क्या प्रॉब्लम थी और लोगों के रिएक्शन कैसे आ रहे हैं व्हाट प्रॉब्लम यू हैड एंड हाउ डू यू फील टेल इन इंग्लिश एक्चुअली आई वाज सफरिंग फ्रॉम फेमिनाइन वॉइस ड्यू टू दैट मेनी टाइम दैट देयर वाज अ ट्रबल इन डेली लाइफ कॉलेज एंड स्कूल लाइफ आल्सो सम टाइम्स आई वाज एबल टू स्पीक इन अ गुड वॉइस बट due to fear psychological fear I was not speaking what other will say other will laugh many times your voice was not stable you're not getting consistently the masculine voice but after treatment you are getting the masculine voice yes sir can we use your video for awareness purpose at our youtube channel facebook sure. and social media yes sir sure thank you for giving the permission and those who are watching this video I will suggest you in the google search write slp sanjay kumar video and you'll find so many videos before and after treatment and that will give you lots of hope if you have any communication problem jo log bhi ye video dekh rahe hain main unko kahunga ki google search mein likhiye slp sanjay kumar video aur aapko bahut sare treatment pehle aur treatment ke baad ki videos dikhengi aur usse aapko bahut sare ummeedein milengi aur hamare clinic mein purifonia matlab ladkiyon ki jaisi awaaz agar ladkon ki hoti hai to uske treatment ke alawa डिस्फोनिया ड्यू टू वोकल कॉर्ड पैरालिसिस मतलब जो हॉर्स और ब्रीदी वॉइस जो होती है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की वजह से उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं स्टैमरिंग या हकलाने की जो समस्या होती है उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं किसी की वॉइस सडनली चली गई है जिसको हम लोग फंक्शनल एफोनिया बोलते हैं उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं थैंक यू पुष्कल थैंक यू थैंक यू सर